तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने देखा है, एंड उसमें तो सीरियसली पूरा मॉडलिंग वाला आ रहा है, तो आपने वो नहीं सोचा कि मॉडलिंग भी करनी चाहिए मुझे? एंड यू लुक सो फिट एंड फाइन एंड ब्यूटीफुल, तो आपने कभी सोचा नहीं कि यार लेट्स ट्राई फॉर मॉडलिंग? ये मेरा ग्रेजुएशन के बाद एक थॉट था अच्छा, कि आई ऑफर्स तो शुड आए होंगे जरूर. फाइनल रिजल्ट जिस दिन आ रहा था, तो उस टाइम जब रिजल्ट वाला रिएक्शन कैसा था और क्या कर रहे थे आप उस टाइम एग्जैक्ट टाइम? यूपीएससी का रिजल्ट आया तो तब मैं अपना मास्टर्स का एग्जाम दे रही थी और वापस आ रही थी. वहां से मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी कि ओके यू हैव क्लियर्ड इट विद रैंक 116. मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, मुझे लगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है. तो ट्रैवलिंग का आपका शौक है? हाँ जी. ट्रैवलिंग में मैं बिल्कुल सोचती ही नहीं थी मैं यूपीएससी कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल एक क्लियर माइंड के साथ जाती थी जिसमें मैं सोचती थी कि जितनी प्रॉब्लम्स है वो सब अब मैंने घर छोड़ दी है और ट्रैवल में बिल्कुल फ्री माइंड से करूँगी. तो वो 5-6 days के लिए एकदम क्लियर माइंड हो जाता था, और घर आकर थोड़ा बर्डन बढ़ जाता था वो दूसरी बात थी, बट ठीक है मैनेज हो जाता है. तो ठीक है, वो तो आपने सारी चीज कितने अच्छे से मैनेज करके और रैंक भी ले ली. An Academy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी. जैसे कि आप सबको पता है, इस साल यूपीएससी सीएससी 2022 का रिजल्ट आ चुका है, रैंकर्स हमारे सामने हैं, और हर एक रैंकर की एक अलग स्टोरी और एक अलग स्ट्रगल होती है. आज जो हमारे साथ टॉपर है, उन्होंने 2 बार प्रीलिम्स दिया, नहीं हो पाया, और इस साल यूपीएससी सीएससी में 116 रैंक हासिल करी. यस, वी हैव विद अस आशना चौधरी. हाय आशना जी, वेलकम टू अन अकेडमी. थैंक यू सो मच. 2 बार आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाया एंड देन रैंक 116, तो कैसा एकदम से, क्या आपने इतनी स्ट्रेटेजाइज किया था कि एकदम से ही कि 116 रैंक आ गई? इस स्ट्रेटेजी में 3 साल लग गए. अच्छा. तो हाँ, मैंने मीन्स मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था. मुझे पता था कि प्रिलिम्स एक रोड ब्लॉक होगा मेरे लिए, तो मुझे प्रिलिम्स को क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा. तो मैंने सोचा कि मैं एक बार जिस भी अटेम्प्ट में मैं प्रिलिम्स क्लियर करूँगी, आई विल मेक श्योर कि मैं मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर कर कर ये रैंक हासिल कर पाऊँ, जिससे मुझे प्रिलिम्स दोबारा ना देना पड़े. तो एक प्रिलिम्स एक ऐसी स्टेज है जिसे मैं हमेशा से ड्रेड करती हुई आई थी. तो इस बार मैंने जो मेजर अपना चंक ऑफ अटेंशन दिया वो प्रिलिम्स को ही दिया, क्योंकि मेंस मैं पहले से तैयार कर चुकी थी, और इंटरव्यू भी लगभग मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इंटरव्यू को लेकर भी. तो इस बार मेरा मेजर फोकस प्रिलिम्स पर ही रहा. तो जैसे कि आपने 2 बार प्रीलिम्स दिया था, और फिर ऐसा नहीं हुआ कि यार 2 बार दिया अभी तक क्लियर नहीं हो पाया तो चलो छोड़ो, या नहीं हो पाएगा, या दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, ऐसे थॉट्स आ जाते हैं ऑफ कोर्स जब 2 बार नहीं हो पाता. सो ऐसा कुछ आया था आपके दिमाग में? बिल्कुल. ये जब मैं फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, तब मुझे लगा था कि शायद मैंने ये डिसीजन बहुत जल्दी में ले लिया है कि मुझे सिविल सर्विसेज करना चाहिए. बट वो एक मोमेंट्री थॉट था, वो टेम्प्ररी था. उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को वापस से रिविजिट किया, मैंने देखा कि मैं कहाँ पर लैक कर रही हूँ, मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है, और फिर मैंने एक और ईयर अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू कर दी. और जब मैंने ये सब कुछ किया, उसके बाद जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में प्रिलिम्स नहीं कर पाई, तो मैं बहुत क्लोज आकर रह गई थी. तो शायद 2-2.5 मार्क्स के मार्जिन से मैं प्रिलिम्स क्लियर नहीं कर पाई. उसे मैंने एज अ फेलियर नहीं देखा, उसे मैंने एज एन इम्प्रूवमेंट देखा कंपेयर टू माई प्रीवियस अटैम्प्ट. तो मुझे लगता है कि शायद ये एक पॉजिटिव थिंकिंग थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है आज. तो जब आपने रिजल्ट देखा, फिर थर्ड अटेम्प्ट हुआ, चलो प्रीलिम्स हुआ आपका क्लियर हो गया, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर फाइनल रिजल्ट जिस दिन आ रहा था, तो आपको ये नहीं हो रहा था कि यार हो पाएगा, 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ? उस टाइम जब रिजल्ट वाला रिएक्शन कैसा था और क्या कर रहे थे आप उस टाइम एग्जैक्ट टाइम? उस टाइम मैं मेरी मास्टर्स का लास्ट एग्जाम था, तो मैं एग्जाम दे रही थी जब प्रीलिम्स का रिजल्ट, जब इसका यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो तब मैं अपना मेंस का ही अपना मास्टर्स का एग्जाम दे रही थी. और वापस आ रही थी वहाँ से, मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी कि ओके यू हैव क्लियर्ड इट विद रैंक 116. मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, मुझे लगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है. तो मैंने सोचा मैं दोबारा चेक करती हूँ, और जब मैंने खुद चेक किया तो तब बहुत रिलीफ फील हुआ. तो जैसे कि आपने एग्जाम दे दिया था, व्हेन यू वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट,
तो एक बैक ऑफ द माइंड होता है ना कि यार मैं इस वाले नंबर पे आऊंगी या मेरी ये रैंक आ सकती है, तो आपने कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड रैंक थी आपके बैक ऑफ द माइंड? बैक ऑफ द माइंड मुझे इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ मैं लिस्ट में तो ज़रूर रहूँगी तो अब बट रैंक काफ़ी अच्छी आई है। मैंने ब्रॉडली एक्सपेक्ट किया था मैंने कि अंडर 300 शायद मैं रह सकती हूँ क्योंकि मेरा मीन्स काफ़ी अच्छा हुआ था, तो 116 आई, उसको मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ जी, तो आपका ऑप्शनल क्या था और उसकी कैसे आपने प्रिपरेशन की थी? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्क्रैच से की थी, क्योंकि जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डिसाइड किया लेने के लिए तब तक मुझे मतलब भी नहीं पता था एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है तो ये ऑल टुगेदर एक बहुत ही नया सब्जेक्ट था मेरे लिए। और इसकी प्रिपरेशन मैंने इंटरेस्टिंगली मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, तो मैंने सेल्फ स्टडी की इसके लिए। मैंने अपने अलग अलग सोर्सेस को ढूंढा, अलग अलग, पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस क्या होती हैं, सिलेबस की डिमांड क्या है और कौन सी बुक्स शायद मुझे चाहिएंगी, और मैंने डिसाइड किया रफली 15-20 डेज जिनमें मैं थोड़ा सा बुक्स को स्किम थ्रू करूँगी, डिसाइड करूँगी कि मैं ये खुद कर सकती हूँ या नहीं और मुझे कोचिंग चाहिए या नहीं। और स्किम थ्रू करने के बाद मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, मुझे कोचिंग नहीं चाहिए। ओके, सो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में प्लीज़ बताइए कि क्या है? फैमिली बैकग्राउंड मेरा, मैं एक स्मॉल टाउन से आती हूँ, ये 60 किलोमीटर्स दूर है आपका रफली दिल्ली से, तो इट्स कॉल्ड पिलखुआ, तो मैं वहाँ से आती हूँ। और मेरे पेरेंट्स काफ़ी एजुकेटेड हैं तो शायद उन्हीं की राह पर मैं भी चली हूँ। मेरे फादर पीएचडी हैं, ही इज़ अ प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। मेरी मॉम मास्टर्स हैं और बीएड भी उन्होंने अपना कंप्लीट किया है, हाउएवर शी चोज़ नॉट टू वर्क। तो ये मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड है, तो एजुकेशन को हमेशा काफ़ी प्राइम इम्पोर्टेंस मिली है फैमिली में। तो सपना किसका था ये आईएएस की प्रिपरेशन करने का, आपका था या फिर पेरेंट्स का? मेरा और मेरे डैड का साइमल्टेनियसली था, ये कन्वर्ज हो रहे थे हमारे इंटरेस्ट थोड़े से, बट मेरी मॉम ने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जाऊंगी। शी ऑलवेज बिलीव्ड कि शायद मैं कुछ और करूंगी, और करूँगी, क्योंकि मेरा जो मैं बचपन से काफ़ी इम्पल्सिव रही हूँ, तो उन्हें मेरा ये नेचर पता था और उन्हें पता था कि शायद सिविल सर्विसेज में इतनी इम्पल्सिवनेस नहीं चलती है, बट वेल आई प्रूव्ड हर रॉन्ग, आई वाज कंसिस्टेंट थ्रू आउट। सो या, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने देखा है एंड उसमें तो सीरियसली पूरा मॉडलिंग वाला आ रहा है, तो आपने वो नहीं सोचा कि मॉडलिंग भी करनी चाहिए मुझे? एंड यू लुक सो फिट एंड फाइन एंड ब्यूटीफुल, तो आपने कभी सोचा नहीं कि यार लेट्स ट्राई फॉर मॉडलिंग? ये मेरा ग्रेजुएशन के बाद एक थॉट था कि ऑफर तो आए होंगे जरूर कॉलेज टाइम में थोड़े बहुत आए थे, तो बट आई डोंट नो, मुझे कैमरा फेस करने से शायद थोड़ा डर लगता था, तो हाँ, तो एक्टिंग में तो मुझे पता था कि एक्टिंग में मेरा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने ना कोई कोर्स लिया था और ना ही शायद मैं एक्टिंग में इतनी अच्छी भी थी। मॉडलिंग कुड हैव बीन देयर बट आई थॉट टेक द एकेडमिक वे। चलो अच्छा, पर ये बताइए, वैसे आपने कभी जॉब वगैरह कहीं की है या फिर दिस इज यही प्रिपरेशन में ही आपने ध्यान दिया? मैं 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, 2019 से 2020 का टाइम मुझे पता था कि मैं एक गैप ईयर लेने वाली हूँ बिफोर स्टार्टिंग माय मास्टर्स, तो उस गैप ईयर में मैं थोड़ा सा काफ़ी डोल्ड्रम्स में थी, काफ़ी माइंड्स में थी, काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस थे मेरे अंदर कि मुझे कॉरपोरेट सेक्टर में एक बार ट्राई करना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए, तो वो था एक फेज़ आया था जिसमें मैं शायद काफ़ी बहुत क्लियर नहीं थी अपने माइंड में, और तब मैंने जॉब के बारे में सोचा था, हाउएवर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि कहीं से मुझे रिजेक्शंस मिल गए, कहीं पर मेरा मन नहीं लगा, तो तब मैंने सोचा कि शायद कॉर्पोरेट सेक्टर को मुझे छोड़ ही देना चाहिए, दिस इज़ नॉट फॉर मी। ओके, और जैसे आप इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा कि आप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप एक्टिव थे,
तो वो आप माइंड डाइवर्ट करने के लिए थे या आप दूसरे एस्पिरेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो एक्टिव रहे या नहीं रहे? मैं सजेस्ट करूंगी कि वो टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए. और मैं थ्रू आउट एक्टिव नहीं थी. दो अब लगता है, अब अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं एक्टिव थी, बट मैं अपने ब्रेक्स लेती थी आफ्टर एवरी 4-5 मंथ्स. मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती थी जिसमें मैं ट्रैवलिंग करती थी, और जब मैं ट्रैवल मोड में होती थी तब मैं इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल कर लेती थी. तो इंस्टॉलिंग इंस्टाग्राम एंड अनइंस्टॉलिंग इट, वो कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस थी जो मेरी थ्रू आउट चलती रही. तो ट्रैवलिंग का आपका शौक है? हाँ जी. अच्छा, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया है? मैंने 2019 से, मैं बताऊंगी, जब से मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू की है. तो प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मैंने एक सोलो ट्रिप यूरोप में की थी. 5-6 कंट्रीज अराउंड मैंने ईस्टर्न यूरोप में कवर किया था. उसके बाद मैं फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गई. फिर उसके बाद मैं गोवा भी गई. तो बीचेस मुझे बहुत पसंद है. हाँ जी, आई एम अ बीच पर्सन. बट माउंटेन्स में भी मैं जाती चली गई. तो उत्तराखंड भी मैं इस दौरान गई. मैं शायद हिमाचल भी गई. और अभी रिसेंट मैं दुबई गई थी. तो ये सारी जो ट्रिप्स है ये ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही लगाई है मैंने. तो आप जैसे जब ट्रैवल करते थे तो उस टाइम आपका रूटीन क्या होता था? लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई मेरे ये टॉपिक्स रह गए हैं, मुझे प्रिपरेशन भी जारी रखनी है. तो उस टाइम क्या आपका स्केड्यूल होता था? ट्रैवलिंग में मैं बिल्कुल सोचती ही नहीं थी मैं यूपीएससी कर रही हूँ. तो मैं बिल्कुल एक क्लियर माइंड के साथ जाती थी, जिसमें मैं सोचती थी कि जितनी प्रॉब्लम्स है वो सब अब मैंने घर छोड़ दी है और ट्रैवल में बिल्कुल फ्री माइंड से करूँगी. तो वो 5-6 डेज के लिए एकदम क्लियर माइंड हो जाता था. और घर आकर थोड़ा बर्डन बढ़ जाता था, वो दूसरी बात थी, बट ठीक है, मैनेज हो जाता है. ठीक है, वो तो आपने सारी चीज़ कितने अच्छे से मैनेज करके और रैंक भी ले ली. ठीक है आशना जी, जैसे बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको स्टेज वाइज कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे, जैसे प्रीलिम्स में क्या ध्यान रखें या मेंस में एंड देन इंटरव्यू, तो वो प्लीज बताइए. मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि ये तीनों जो स्टेजेस हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, और इसलिए आपकी प्रिपरेशन भी इनमें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए. आप प्रिपरेशन साइलोज में नहीं कर सकते हैं. तो प्रिलिम्स के लिए आई वुड से कि करंट ओरिएंटेड होना आपको बहुत ज़रूरी है, स्टैटिक के साथ साथ, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो काफ़ी करंट अफेयर्स से आ रहे हैं. तो आपको करंट अफेयर्स पर थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है. मेंस में भी मैं कहूँगी कि करंट और स्टैटिक को, दोनों को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है. और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके स्कीमेटिक्स अगर आप बनाने का डिसीजन ले चुके हैं तो आपको स्कीमेटिक्स को अपना थोड़ा सा, स्कीमेटिक्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, इन सबको थोड़ा सा और रिफाइन करना होगा. तो उसकी भी प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए. और इंटरव्यू अगेन, उसमें आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए होती है. तो आपको थोड़ा सा अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिफाइन करने की ज़रूरत होती है इंटरव्यू प्रोसेस में. हाउएवर, ये तीनों में जो नॉलेज एक्विजिशन वाला पार्ट है वो कॉमन रहेगा. एक और सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है कि जैसे आप ट्रैवल करते थे तो करंट अफेयर्स पर तो ऑफकोर्स आपको अपडेटेड रहना ही होता था. दिस इज़ समथिंग जो एस्पिरेंट रहता है, तो वो कैसे करते थे आप? मैं न्यूज़पेपर्स रखवा लेती थी घर पर. तो मेरा आने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होता था कि मैं एक डे का ब्रेक लेती थी, और उसमें जो 5-6 दिन के न्यूज़पेपर्स जो मैंने रखवाए हुए होते थे उनको जल्दी से स्किम थ्रू करती थी. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेडिकली डिफरेंट चीज़ आई होती थी, तो वो मैं वहाँ से पिक ऑन कर लेती थी. सो वन मोर क्वेश्चन कि जैसे आप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको सबसे चैलेंजिंग क्या लगता था? मुझे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट लगता था. क्योंकि बाकी चीज़ें ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंड ही बहुत हेल्दी फील नहीं कर रहा है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक कांस्टेंट चैलेंज था मेरे लिए, और वो मैं हर 5-6 मंथ्स में वाया ट्रैवल उसको मैनेज करने का ट्राई करती थी. डेली बेसिस पर मैं मेडिटेशन और योगा से उसको बैलेंस करने का ट्राई करती थी. तो मेरी एक अप्रोच रही है थ्रू आउट कि ठीक है, अगर मैं आज के अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाई हूँ, बट आई वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई फिजिकल फिटनेस, माई मेंटल हेल्थ, दैट आई वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन. ओके, सो जैसे बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये जो मैं जैसे आपने बोला स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है. तो बाकी के एस्पिरेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि इनसे दूर रहें, या कैसे डी स्ट्रेस हो या एंग्जाइटी हो तो उससे कैसे ओवरकम हो? मैं उन लोगों को एडवाइस देना चाहूँगी कि
फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अपनी कोई हॉबी परस्यू करनी चाहिए जिस जो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने में हेल्प करती है, और अपने जो स्टडी गोल्स हैं उनमें अपने फिटनेस गोल्स को खोने ना दें. आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो उसको हमेशा याद रखिए. तो इसलिए अपनी फिटनेस पर भी उतना ही ध्यान दीजिए और अपनी एक हॉबी परस्यू करने में भी इतना ही ध्यान दीजिए. जैसे आशना जी ने बिल्कुल ध्यान दिया हुआ, वी कैन सी दैट. ओके, सो अनअकैडमी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, या आपने अनअकैडमी की वीडियोस क्या आपने मतलब देखा है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन अनअकैडमी का बहुत बड़ा रोल रहा है. इनफैक्ट जो मैं करंट अफेयर्स जिस पर मैं इतना ज़्यादा फोकस करती हूँ, तो मेरी करंट अफेयर्स में जो एक सीरीज थी वो थी T20 सीरीज़, जो आपकी फ्री 20 डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज़ है. तो उसको मैंने डेली फॉलो किया है और वहाँ से मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स के अपने फैक्ट्स उठाए हैं. तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है. इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी मैं आप लोगों का पार्ट थी, एंड वहाँ से भी मुझे कॉन्फिडेंस गेन करने में काफ़ी हेल्प मिली है. थैंक यू सो मच आशना जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. सेम, इट्स माय प्लेजर एक्चुअली. अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट.